हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रमोद श्रीवास्तव आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है परागण। जैसे कि आपको मालूम है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इससे रिलेटेड है आज का टॉपिक परागण। इसके पहले आपको बताया भी गया था इसके पहले वाले वीडियो में हमने कि पुष्प और पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं शॉर्टकट में, इसको हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। जैसे ये आपका गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल ये एक आदर्श पुष्प है क्योंकि इसके चारों भाग जो है इसमें उपस्थित है। पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि पुष्प के मुख्य दो भाग होते हैं, सहायक जनन अंग और मुख्य जनन अंग। सहायक जनन अंग के अंतर्गत वाह्य दल पुंज, इसकी पूरी जो बनी हुई है श्रृंखला ये वाह्य दल पुंज, जबकि इसकी एक इकाई जो है वाह्य दल होता है। दूसरा होता है दल पुंज, दूसरी श्रृंखला इसकी होती है, दूसरा चक्र होता है दल पुंज का, इसकी एक यूनिट होती है दल। ये दोनों सहायक जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं मुख्य जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग के अंतर्गत दो होते हैं, पुंकेसर स्त्री केसर, जिसको नर जनन अंग मादा जनन अंग, नर जनन अंग पुमंग, इसकी एक यूनिट होती है पुंकेसर। ये इसमें देख रहे हैं गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल जिसका वानस्पतिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये जो नर जनन अंग है पुमंग, कई श्रृंखला मिलकर पुमंग है, जिसकी एक यूनिट है पुंकेसर। गुड़हल के फूल में पुंकेसर की संख्या कई होती है। और उसके बाद आता है स्त्री केसर, ये मुख्य जनन अंग होते हैं। इस प्रकार यह एक आदर्श पुष्प है। अब आइए हम लोग देखते हैं परागण पर कि परागण किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये पुष्प, पुष्प की बनावट, ये यहां देख रहे हैं कि एक पुष्प है, उस पुष्प से पराग कोष, ये आप इधर देखते हैं स्पष्ट रूप में, ये पुंकेसर है जिसको हम बोलते हैं नर जनन अंग, नर जनन अंग। ये आपका पुमंग कहलाता है, पुमंग भी कहते हैं इसको, पुमंग। इसकी एक यूनिट होती है पुंकेसर, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है यह पराग कोष, जो घुंडी नुमा ऊपरी रचना है पराग कोष। पराग कोष में पराग कण होते हैं, इन पराग कणों को जब पुष्प परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो इन पराग कणों को देखा जा सकता है, ये आटे के समान छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे सरसों के पुष्प में देखते हैं तो बिल्कुल आटे के समान महीन कण पीले रंग के दिखाई देते हैं, वास्तव में ये पराग कण होते हैं। ये पराग कोष, पराग कोष से पराग कण होता है ये पराग कण। और दूसरे पुष्प का ये हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ये होता है वर्तिका, ये होता है अंडाशय। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग ये तीन हिस्सों में बटा होता है। सबसे नीचे का हिस्सा अंडाशय, इसमें जो है अंडाणु होते हैं, अंडाणु। जब परागण के बाद निषेचन की क्रिया आएगी तो ये अंडाणु का महत्व समझ में आएगा कि अंडाणु शुक्राणु से कैसे मिलते हैं, ये आगे की बात है। अंडाणु बीच के ये होती है वर्तिका, वर्तिका ये होता है वर्तिकाग्र। तो परागण क्या है, जाहिर से बात है पराग कण, जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। परागण किसे कहते हैं, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। या इसे इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब किसी पुष्प के पराग कोष से पराग कण निकलकर उसी पुष्प, जिस प्रकार आप देख रहे हैं एक ही पुष्प का पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है,
या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो ये जो है स्वपरागण होता है। परागण किसे कहते हैं? परागण किसी, जब किसी पुष्प के पराग कोष से परागकण निकलकर उसी पुष्प अथवा उसी जात के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण के प्रकार आइए देखते हैं। परागण के प्रकार, परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, स्वपरागण। दूसरा होता है परपरागण, परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, आइए देखते हैं स्वपरागण क्या है। कि जब किसी पुष्प के पराग कोष से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया जो है स्वपरागण कहलाती है। और परपरागण क्या है? जैसे नाम से स्पष्ट है, पर माने दूसरा, अर्थात जब किसी पुष्प के पराग कोष से परागकण निकलकर किसी दूसरे उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। तो परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब आइए देखते हैं हम लोग स्वपरागण। जैसा कि आपने देखा कि जब पराग कण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण के लक्षण क्या होते हैं? स्वपरागण, यह स्वपरागण के एग्जाम में आ जाता है, स्वपरागण के लाभ और हानि समझाइए। तो आइए देखते हैं स्वपरागण के लाभ। यह आपका स्वपरागण, स्वपरागण के लाभ। जैसा कि मालूम है कि स्वपरागण में पराग कण जो होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग पर पहुंचते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि किसी दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वपरागण के लिए किसी पौधों को दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता क्योंकि उसी पौधे में परागण की क्रिया हो जाती है, पहला बात। दूसरा होता है क्योंकि स्वपरागण में परागण का होना निश्चित होता है क्योंकि जो पराग कण होते हैं वर्तिकाग्र के पासे पास होते हैं क्योंकि उसी पौधे में होता है तो इसमें परागण का होना निश्चित होता है। और तीसरी बात ये होती है कि इसमें जो है पौधों को पुष्पों के लिए अतिरिक्त रंग, अलग से रंग, अच्छा रंग, सुगंध, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा यह हो जाता है कि पौधों को किसी पर इस परागण के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें होता है कि इस परागण के द्वारा जो बीज बनते हैं वो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। तो इस प्रकार से स्वपरागण के आपने कई लाभ देखे। जैसा पहला लाभ होता है, इस परागण के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, इस प्रकार के परागण में पराग कणों की संख्या कम होती है और परागण हो जाता है। तीसरी बात होता है, इस प्रकार के परागण के लिए पौधों को आकर्षक रंग, अच्छे सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती और इस परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। ये तो हो जाता है स्वपरागण के लाभ। लेकिन जहां पर लाभ है वहां पर अनेक हानि भी है। जिसे पहली हानि हो जाती है कि स्वपरागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं ये हल्के होते हैं, संख्या में कम होते हैं और कमजोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीज हल्के, संख्या में कम होते हैं। और दूसरी बात होती है, इसमें नए किस्म के बीज का उत्पन्न नहीं होता, नए किस्म के बीज उत्पन्न नहीं होते, पुराने बीज ही उत्पन्न होते हैं। और तीसरी बात यह होता है कि इस परागण के द्वारा जो है जो बीज होते हैं
उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के पौधों से उत्पन्न बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती है। बीज हल्के होते हैं, संख्या में कम होते हैं और इस प्रकार से स्वपरागण के ये हानि है। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण के हानि। और जहां तक पर परागण की बात होती है तो पर परागण के भी लाभ हैं, कई लाभ, लाभ के साथ कई हानि भी हैं। जिसे पहला लाभ ये हो जाता है कि पर परागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं वो संख्या में अधिक होते हैं, वजनदार होते हैं तथा ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उच्च किस्म के होते हैं। पहली बात, स्व पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं ये अधिक संख्या में होते हैं, वजनदार होते हैं और उत्तम कोटि के होते हैं। दूसरी बात होती है, इस प्रकार के बीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है और अच्छे किस्म के बीज उत्पन्न किए जा सकते हैं पर परागण के द्वारा। तो ये तो लाभ हो जाता है, लाभ के साथ कई हानि हैं। जैसे कि पर परागण के लिए जो है वाह्य साधन की आवश्यकता होती है, वाह्य साधन के अंतर्गत कई आ जाते हैं, जैसे जंतु द्वारा परागण या वायु द्वारा परागण। जैसे उदाहरण के रूप में सरसों के खेत में ढेर सारे सरसों के फूल खिले हुए हैं, इनमें छोटे छोटे कीट पतंगे मंडराते रहते हैं, मधुमक्खियाँ भौरे, इनके द्वारा परागण की क्रिया हो जाती है। या फिर हवा का झोंका तेजी से आता है और सारे फूल इधर उधर लहराने लगते हैं, तो इससे जो है परागण झड़ते हैं, झड़ने के बाद किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग पर पहुँच जाते हैं। अथवा कोई भी इंसान गया, बड़े सुंदर फूल है भाई, एक बार हाथ फैलाया फिर आया और ढेर सारे परागकण झर गए, झरने के बाद जो है कहीं ना कहीं वर्तिकाग पर गिर गए। तो इस प्रकार से जो है ये जो होता है इसके लिए जो है वाह्य साधन की आवश्यकता होती है। वाह्य साधन के अंतर्गत ये जल द्वारा भी परागण हो सकता है, वायु द्वारा, जंतु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, वो आगे का विषय है। और दूसरी बात होती है कि इस पर परागण के लाभ हानि में ये है कि इसके लिए पुष्पों को अलग से आकर्षक रंग उत्पन्न करने पड़ते हैं, अलग से सुगंध उत्पन्न करनी पड़ती है, जिसके लिए पुष्प ये पौधे की काफ़ी शक्ति जो है इसमें चली जाती है। इस प्रकार ये पर परागण के हानि है। तो इस प्रकार आपने देखा कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है, स्वपरागण के लाभ क्या है, स्वपरागण के हानि क्या है, पर परागण क्या है, पर परागण के लाभ, पर परागण के हानि। कभी कभी आ जाता है कि स्वपरागण और पर परागण में अंतर लिखिए, स्वपरागण और पर परागण में अंतर लिखिए। आइए देखते हैं अंतर, दोनों में अंतर बीच में लाइन खींचकर, ये आपका स्वपरागण, ये आपका पर परागण। जैसे कि मालूम है कि स्वपरागण की क्रिया जो है एक ही पौधे में होती है, एक ही पौधे में स्वपरागण की क्रिया होती है, जबकि पर परागण की क्रिया दो अलग अलग पौधों में होती है। पहला अंतर यह हो जाता है कि स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे के बीच में हो जाती है, उसके लिए दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि पर परागण की क्रिया के लिए दो पौधों का होना आवश्यक है। दूसरी बात, स्वपरागण के लिए किसी वाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पर परागण के लिए वाह्य साधन की आवश्यकता होती है। चाहे ये वाह्य साधन वायु द्वारा हो, चाहे कीट द्वारा हो, चाहे पक्षी द्वारा हो, चाहे जंतु द्वारा हो, ये जल परागण हो। इस प्रकार से जल परागण जलीय पौधे में होता है, जलीय पौधों के अंतर्गत, लेकिन एक है जलीय पौधा जिसे कमल हुआ, कमल में जो परागण होता है जल परागण नहीं होता, जल परागण द्वारा नहीं होता, बल्कि कीट परागण द्वारा होता है, मुख्य रूप से भौरों द्वारा परागण की क्रिया होती है। और तीसरी बात यह हो जाता है, तीसरा अंतर हो जाता है कि स्वपरागण की क्रिया में पराग कम पराग कणों की आवश्यकता होती है और परागण का होना निश्चित होता है, पराग कण व्यर्थ में नहीं जाते, जबकि पर परागण में
कई परागकण व्यर्थ में चले जाते हैं, तो उस पौधे को अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। और अगला अंतर जो होता है, स्वपरागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, हल्के होते हैं और अच्छी कोटि के नहीं होते, जबकि पर परागण में उत्पन्न बीज जो होते हैं वो संख्या में अधिक होते हैं, भारी होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं। एक और भी अंतर हो सकता है कि स्वपरागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, जबकि पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं उनमें, उनके पौधों में या बीजों से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप लोगों ने पर परागण और स्वपरागण दोनों देखा, अब आप लोगों के विचार से स्वपरागण और पर परागण दोनों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वपरागण और पर परागण दोनों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसका महत्व अधिक है, इस बात को कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और अपनी राय दीजिएगा। अगर ये आपको स्टेप परागण की क्रिया समझ में आई हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।